नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हीरा सिंह राठौर चैनल पर। तो आज की वीडियो होगी श्रीनगर कारगिल लेह लाइन पर। और जैसे कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे द्वारा श्रीनगर स्टेशन से कारगिल शहर से होते हुए रेल लेह तक एक प्रस्तावित रेलवे लाइन है। इस लाइन को 26 फरवरी 2013 को एक राष्ट्रीय परियोजना नामित किया गया था, जो कि रेल श्रीनगर रेलवे लाइन थी। उसको इस लाइन को 26 फरवरी 2013 को एक राष्ट्रीय परियोजना नामित किया गया था। भारत के रेल मंत्री ने घोषणा की कि श्रीनगर कारगिल लेह लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया था। श्रीनगर कारगिल लेह लाइन का सामरिक महत्व। एक बार यह रेलवे लाइन पूरी हो जाने पर लेह जम्मू कश्मीर और शेष भारत से सीधे रेलवे से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर यह रेलवे लाइन पूरी हो गई तो लेह जम्मू कश्मीर और शेष भारत से सीधे रेलवे से जुड़ जाएगा। सड़क मार्ग से श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी लगभग 442 किलोमीटर है। जब लेह तक रेलवे लाइन पूरी हो जाएगी तो दिल्ली से लेह पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यह सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित और त्वरित साधन प्रदान करेगा। कार्मिकों और उपकरणों को रणनीतिक सैन्य अड्डे लेह तक अधिक आसानी से पहुंचाया जाए। श्रीनगर कारगिल लेह लाइन में कौन कौन सी सबसे बड़ी जो चुनौतियां आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जम्मू बारामूला लाइन के बाद ऊंचे पहाड़ों, बड़ी संख्या में सुरंगों और ऊंचे पुलों और भविष्य भीषण ठंड के मौसम के कारण श्रीनगर कारगिल लेह लाइन भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे परियोजना होगी। हालांकि ये अनिश्चित है कि निर्माण हो चुका है या नहीं।